हाई गाइज आई एम ज्ञान रंजन आई कंडक्टिंग प्योर मैथमेटिक्स ओके इट्स अ हैजटैक प्योर मैथमेटिक्स चलिए आज हम मैथमेटिक्स के डिस्नीस सॉरी मैथमेटिक्स के डिफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे पूरे लॉजिक के साथ ओके मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विथ द लॉजिक ऑफ सेफ क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट क्या कर रहा है मैथमेटिक्स यानी गणित साइंस की शाखा है क्या है साइंस की विज्ञान की शाखा है जो कार्य करता है जो डील करता है विभिन्न आकृतियों यानी विभिन्न सेप के तर्कपूर्ण यानी लॉजिक के साथ उनकी क्वांटिटी एंड पूरी तरह से अच्छी तरह से उसकी सजावट और कोई भी वजन को ले सकते हैं आप जैसे कोई गेहूँ हो गया दूध हो गया यानी मिल्क वाटर एनीथिंग का क्वांटिटी उसकी अरेंजमेंट एंड हम डील करते हैं इसमें विभिन्न तरह की सेपों को विथ लॉजिक ओके अभी हम जानना है फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी ओवरऑल फादर ऑफ़ इंडियन मैथमेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ऑफ़ मैथमेटिक्स आर मीडीज यानी गणित के पिता कौन है आर मीडीज फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स यानी गणित के भारतीय पिता को आर्यभट्ट के नाम से हम जानते हैं जिनके द्वारा जीरो का आविष्कार या खोज किया गया था उन्हें हम फादर ऑफ़ जीरो भी बोल सकते हैं क्या फादर ऑफ जीरो भी बोल सकते हैं आर्यभट्ट को चलिए आगे चलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स दे आर टू टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स प्योर एंड अप्लाइड क्या प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स चलिए आप चलते हैं प्योर मैथमेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्योर मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन करना है ओके okay? चलिए सच मैथमेटिक्स हु एक्सप्लेन एवरीथिंग एज लाइक हाउ वाई उन्हें हम मैथ प्योर मैथमेटिक्स कह सकते हैं या कहते हैं एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे होंगे टू प्लस टू इक्वल टू फोर ये हमें पता है टू प्लस टू इक्वल टू फोर हम लोग पढ़ के इसको रट लेते हैं याद कर लेते हैं लेकिन इसके गहराई में हमें जाना है जिन्हली क्या होता है हम रट रट के याद कर लेते हैं ओके लेकिन कोई हमसे पूछे टू प्लस टू इक्वल टू वाट हम बोल तो देते हैं उसे फोर या ऐड करके हम रिजल्ट मेरा होता है फोर लेकिन उसे के उसके गहराई में जाके उसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये हमें नहीं मालूम होता है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे टू प्लस टू इक्वल टू फोर क्या करेंगे वन वन प्लस वन वन इक्वल टू, 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 टू वन यानी चार बाई वन लिख देंगे इक्वल टू कितना होगा और मेरा रिजल्ट उसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है लेकिन उस पर उसको एक्सप्लेन कैसे कर करना है यानी उसकी बारिकियाँ को एक्सप्लेन करना ही प्योर मैथमेटिक्स कहलाता है उससे हम किस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ एंड वाई एंड क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है हमारे दैनिक जीवन में कैसे उसे एक्सप्लेन हम कर रहे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सप्लेन इस प्रकार करते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी ओके क्या करेंगे ए से ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर ये वाला बी से ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे ओके okay, पहले क्या करते हैं ए से ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करते हैं फिर जो बी बच गया प्लस बी प्लस बी से ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करते हैं ओके okay? आगे होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस 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 बी स्क्वायर इसको क्या करते हैं इसको एक जगह कोलेक्शन करते हैं संग्रह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए बी जोड़ के टू ए बी कितना बार मेरा रिजल्ट इतना आ गया ना इसके गढ़ाई में जाके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी यही हुआ प्योर मैथमेटिक्स यानी कोई टॉपिक को उसकी गहराई में जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं वाई एंड हाउ का मेरे पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इट्स कॉल्ड प्योर मैथमेटिक्स सिंपल दैट अब चलते हैं अप्लाई मैथमेटिक्स पे ना जो दूसरा टाइप सच मैथमेटिक्स हु डज़ नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग सच मैथमेटिक्स हु डज़ नॉट एक्सप्ल एवरीथिंग यानी यानी वैसा मैथमेटिक्स जो हमें उस टॉपिक के बारे में या क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन न करता हो वह अपलाइन मैथमेटिक्स के अंतर्गत आएगा क्या होता है यहाँ पे लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स ये पढ़ लेते हैं हम किसी की बुराइयाँ नहीं कर रहे हैं क्या होता है विद्यार्थियों को स्टूडेंटों को क्या होता है एक मानसिकता मेंटिलिटी डिग्री लाना एग्जाम पास करना लेकिन हमें फ्यूचर के लिए कंपटीशन को देखते हुए प्योर मैथमेटिक्स को अपनाना चाहिए ओके एग्जाम्पल देख लीजिए प्योर सॉरी अप्लाई मैथमेटिक्स के कुछ एग्जाम्पल टू प्लस टू इक्वल टू फोर एंड फिफ्टी प्लस फिफ्टी इक्वल टू वन हंड्रेड इसका यहाँ पर एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है प्योर सॉरी अप्लाई मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है इसलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऊपर एक्सप्लेन किया है प्योर मैथमेटिक्स था इसलिए ओके आगे एग्जाम्पल एक, के रूप में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स फाइव एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स फाइव अभी ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स हमें ध्यान देना है हेयर आई फाउंड दैट डज नॉट एक्सप्लेनिंग देयर टॉपिक क्लियरली यहाँ पे क्या है टॉपिक को गहराई में जाके एक्सप्लेन नहीं किया गया इट्स कॉल अप्लाइड मैथमेटिक्स सिंपल डैट आई होप आई विल कम्प्लीटली होप यू गाइज दैट यू सपोर्टिंग मी lot लॉट ऑफ लॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे आगे हम आपके सेवा में हाजिर हो और आप इसी तरह मेरा साथ देते रहें थैंक्स